से अभी गिराएंगे इनको यार। ये देखो गाइस विसर्जन हो चुका है उनका। लौट लौट के यार देखो यहाँ पे क्या हो गया है इन लोगों को। हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा फोटो शूट करवाने, काफी दिनों बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बताओ अच्छा क्या हुआ है? हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को झूठ लग रहा है। ये देखो गाइस केकर केकर पर्स मारा यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक धमाकेदार ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज हम लोग चल रहे हैं बुद्धा टेंपल घूमने। तो हम लोग मटकी फोड़ देखने चलेंगे, शाम को रात में मटकी फोड़ होगा। टाउनशिप का जो बुद्धा टेंपल था वो काफी दिनों से बंद था तो खुल चुका है, आज हम लोग चल रहे हैं वही घूमने। तो चलिए दिखाते हैं, आज के ब्लॉग में काफी सारे चीज रहेंगे तो मिस बिल्कुल मत करना, चले पहुँच के दिखाते हैं। और मेरे साथ इधर रमेश भी चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग गौतम बुद्ध टेम्पल पहुंच चुके हैं और इधर कीर्तन वगैरह हो रहा है भाई। और बता दूं आप लोगों को कि यह हमेशा खुला रहेगा गौतम बुद्ध टेम्पल, बस यही हम लोग पता करने आते हैं और पता चल गया गाइस खुला रहेगा ये। चलिए आप सभी को बता देते हैं और टाइमिंग कितना बजे खुलने का है और कितना बजे बंद होने का है। तो ये देखो गाइस सुबह 10 बजे खुलेगा और रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। तो चलिए अभी अंदर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डेवलप हुआ है अभी अंदर, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं दिखाते हैं। नहीं यार और गार्ड अंकल कहाँ भागा ताले लगा, उन्हें कार्ड करवाए मैंने कहा यहाँ का। पता है भाई वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो अंकल पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, वीडियो में आ ही नहीं रहे, शर्मा रहे हैं। गौतम बुद्ध टेम्पल 15 अगस्त से ही खुला हुआ है और आज देखो भाई कितना ज्यादा भीड़ है, मतलब चारों तरफ भीड़ ही दिख रहा है, मतलब काफी सारे लोग आए हुए हैं आज। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऊपर चलते हैं। और ये चढ़ाई भाई अभी फिलहाल उतना गर्मी नहीं है ना, नहीं तो इतना ज्यादा गर्मी पसीना आता ना कि क्या ही बोले। तो चलिए ऊपर चलते हैं, थक गए यार थोड़ा सा ही चढ़े फिर भी। ये देखो गाइस सीढ़ी जाम, इतना ज्यादा भीड़ जगह नहीं दिख रहा है, हल्का फुल्का जगह छोड़ दी हम लोगों को जाने के लिए। दे रहा था ना भाई कहो तो छू देवे तो बीमारी मारी ना हो जाओ। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, काफी थक गए हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे तो हमेशा भीड़ रहता है, फोटो के चक्कर में इतना ज्यादा भीड़ रहता है ना, उधर जाने का रास्ता ही नहीं बचता। हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा फोटो शूट करवाने, काफी दिनों बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ना, तो वहाँ पे मटकी फोड़ हो रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, ये टाउनशिप के अंदर है। केकर केकर पर्स मारे यार देख ले, उल्टा तो हाथ देखना गायब कर दी। दोस्तों अभी शाम हो चुका है, मतलब शाम हो रहा है और काफी सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, देख रहे हो मतलब जब से ये खुला है ना, पहले भी भीड़ जैसा होता था ना वैसे ही अभी भी भीड़ उतना ही हो रहा है, देख रहे हो चारों तरफ। अभी हम लोग उधर गए ही नहीं, कब से हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। दोस्तों अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब पहले ही जैसा है, जैसे पहले था पूरा वही है, आप लोग देख सकते हो सब वही है पुराना, कुछ न्यू अभी नहीं हुआ है, उस पार शायद नया बन रहा था। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर, कैसे ठीक हुआ? हाय जाती घर है हमरे घूम पल्ली, बाय बाय। देखते हैं जहाँ जहाँ जा पाएंगे सारे वीडियोस दिखाएंगे, अगर घर साइड मटकी फोड़ेंगे तो वो दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग सीधा बैठन चलेंगे। ये देखो गाइस अंकल शर्मा रहे हैं, इतना मस्त शर्मा अंकल जी। ये देखिए गाइस अंकल कितना शर्मा रहे हैं, बोल रहे हैं वीडियो मत बना। तो चलिए दोस्तों मरबो करी बाबू गार्ड लगा। एक नया रेस्टोरेंट ऊपर खुला हुआ था जब यहाँ पे ये बन रहा था, तो यहाँ पे खुल चुका है, काफी सारे लोग अभी आए हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे 10 रुपए वाला चाउमीन चाट फुल्की खाने, और काफी सारे लोग हैं यहीं पे, रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ कितनी ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ होगी नहीं है, भीड़ रहेगी, हमेशा भीड़ रहेगी। अब 10 रुपए वाला चालू हो चुका है ना। सब लोग आए यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्ती है। ऐसा अपने फैमिली वालों के साथ आए हैं कि फैमिली नहीं, फ्रेंड्स के साथ? फैमिली का कुछ और लोग आया था, ऊपर गई बाकी। चलिए दोस्तों बैठन जागवा बैठन, रमेश का कुछ रिश्तेदार यहाँ पे सोए हुए हैं। अपने वीडियो में कुछ बोल रहे क्या दोस्तों? हेलो हाय, अभी हम लोग जा रहे हैं घर दोस्तों, जाती हमरे खत्म हो जाए, स्मारक लगी स्मारक लगी। और देख रहे हो बाहर कितना ज्यादा भीड़, मतलब काफी ज्यादा भीड़ अब होने लगा है जब से खुला हुआ है, बहुत ही गंदा सीन हो गया हम लोगों के साथ, देख रहे हो। बताओ अच्छा क्या हुआ? हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को झूठ लग रहा है। ये देखो गाइस अब कोई हवा निकाला है कि पंचर हो गया क्या हो गया कोई पता नहीं, लेकिन बहुत ही पोपट हो गया यार, अब हम लोग कहाँ यहाँ पे पंचर बनवाएंगे, दुकान भी वैसा नहीं है यार यहाँ पे आसपास।
जिसकी बोलना था कुछ हम अपने गाइस हन के बता ले गाइस जल्दी जल्दी पैसा भेजा। चलिए दोस्तों देखते हैं बनवाने का जुगाड़ कहीं पे अगर मिल जाएगा तो बनवाएंगे इसको फिर चलेंगे यार। One hour later. फाइनली दोस्तों अभी अपना पंचर बन चुका है, एक घंटे पैदल चलने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे और पंचर बन चुका है। रमेश इस पे बैठ के आया था अकेले क्योंकि दो लोग आते तो पूरा टायर खराब हो जाता, इसकी वजह से वो अकेले लेके आया था और मैं पैदल वहाँ से बुद्धा टेम्पल से चल के आया हूँ, फिर भी 4 किलोमीटर जरूर होंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी बैठन जाने का कोई प्लान नहीं है यार क्योंकि रात हो चुका है और मौसम भी थोड़ा खराब है तो जाने का मन नहीं कर रहा है। घर साइड ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, दो जगह हमारे घर साइड ही, तो देखते हैं वहाँ चलेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो मैं दोस्तों रात में हम लोग कहीं नहीं गए थे यार क्योंकि काफी ज्यादा थक गए थे, इसके वजह से ना दबा के सो गए और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज है विसर्जन और मटकी फोड़ होगा। तो चलिए गाइस दिखाते हैं अपने गांव में, दो जगह रखा हुआ है, एक स्कूल के पास रखा हुआ है, वहाँ पे स्कूल के पास रखा हुआ है, तो वहाँ पे चलेंगे भाई, काफी मजा आएगा, डांस होगा, काफी तगड़े माहौल रहेगा आज का। तो ब्लॉग कहीं तक देखते रहना और इधर मेरे साथ अवधेश भाई है, पीछे संतोष भाई मेरा बेटा है। तो चलिए दोस्तों मजा आएगा भरपूर, चलो पहुँच के दिखाते हैं। चलो क्या करोगे दोस्तों, अभी स्कूल के पास पहुंच चुके हैं और यहां से विसर्जन अभी जाएंगे, अभी तो पहले मटकी फोड़ेगा इसके बाद विसर्जन करने जाएंगे। और सामने इधर देखो काफी सारे लोग जुटे हुए हैं और अभी यहां पे मटकी फोड़ेगा और कहां पे बांधे ये दिख नहीं रहा है, शायद इसी में कहीं पे बांधेंगे। इसके बाद मूर्ति विसर्जन करने जाएंगे और काफी सारे लोग आए हुए हैं और वहां पे मूर्ति रखा हुआ है और डीजे का व्यवस्था भी है, काफी सारे लोग आए हुए हैं, एकदम डांस करेंगे फुल पावर में। इधर सभी लोग भोकाली टाइट करने आ चुके हैं, कर रहे मजा ही बाबू मजा ही मजा ही, पैसा चंदा दे वाले से करूँ रे तब कहा मजा ही रे। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, कहा बोला आगे क्या लगे। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, देखिए गाइस अभी थोड़ी देर में जाएंगे पॉइंट वहाँ पे जो जो दोस्तों अभी एक के ऊपर एक सभी लोग चढ़ेंगे, इसके बाद एक ऊपर जाके फोड़ेगा, पर देखते हैं कौन फोड़ पाता है मटकी इस बार का, और साथ कुछ इनाम भी रखा हुआ है क्या पता नहीं। मैं देख रहा हूँ भाई सभी लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और मटकी वहाँ पे सामने है भाई, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है वहाँ ऊपर, तो काफी सारे लोग अभी देखने के लिए है यहाँ पे भाई, मजा आएगा काफी और डांस भी काफी करके। ले गिर गया, ले गिर गया गाइस, गिर गया वहाँ पे लगता है भाई नहीं तोड़ पाएंगे कोई इस बार का मटकी भाई। और चढ़ रहा है और इसको देखते हैं अगर ये फोड़ पाता है कि कौन फोड़ पाता है। देखो गाइस अभी ये लोग चढ़ रहे हैं, गिरा गिरा भाई गिरा गिरा एकदम गिरा गिरा एकदम मारने तो कट कट करेंगे उसमें। ये देखो भाई पतला पतला चढ़ता ना गिरिया तो हड्डी पसली टूट जाएगी वहां का। ओ भाई साहब एक मटकी अभी और तैयार हो रहा है और सामने आप लोग इधर देख सकते हो रस्सी से बांध के ऊपर इसको खींच रहे हैं, इसके बाद फिर इसको कोई और फोड़ेगा और ये सामने देख सकते हो आप लोग, ये रहा दूसरा मटकी का, अब इसको देखते हैं कौन तोड़ पाएगा। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं देसी स्टाइल में, देसी स्टाइल में जुड़ा के जुड़ा के नए नाच ले, लड़ाई हो गया लोग का, लड़ाई हो गया गाइस, फेमस हो गया, कोई बात नहीं भाई। चलो गाइस ऊपर से नीचे पूरा नहा लिया ये दोस्तों, अभी विसर्जन के लिए निकल दिए हैं और रास्ते में देखो भाई ये देखो मिल गए सारे चिकन के विसर्जन के लिए और वहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ हो रहा है, काफी मजा आ रहा है दोस्तों। ये देखो आप सभी लोग निकलने प्रसाद वितरण हो रहा है गाइस, थैंक यू, जय हो प्रभु जी। दोस्तों यहाँ पे सारे लोग अपने डांस करने में बिजी हो चुके हैं और देखते हैं गाइस हम लोग भी अभी बीच में घुसते हैं, काफी मजा आने वाला है। ये देखो पानी से हो गया बौछार, काफी पानी फेंक फेंक के डांस कर रहे हैं और यहाँ पे सामने डीजे लगा हुआ है और हमारे कृष्ण भगवान जी उधर है लोट लोट के, यार देखो यहाँ पे क्या हो गया इन लोगों को, और भाई क्या ही बोले इन लोगों का। दोस्तों यहाँ से लेडीज और बच्चे लोग नहीं जाएंगे पूल तक क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरा है। गाइस अभी हम लोग बड़ी पुल के पास पहुंच चुके हैं, जो रिहन का बड़ी पुल है भाई, हम लोग अभी वहां पहुंचे हैं और भाई यहां पे काफी ज्यादा पानी भर चुका है यार, और यहीं पे होगा विसर्जन, ऊपर से पूरा मूर्ति डालेंगे और मेरे पीछे देख सकते हो आप सभी लोग यार
ये मेरे पीछे है डीजे और मूर्ति, काफी सारे लोग आए हुए हैं विसर्जन करने। और आप सभी को दिखाते हैं यहाँ पे यार, इधर देखो भाई काफी तगड़े यहाँ का सीन है भाई। इतना ज्यादा पानी भर चुका है ना, पहले इतना पानी था नहीं बट अभी इतना पानी भर चुका है ना। अभी विसर्जन होगा और देखो ऊपर रख दिए हैं और नीचे अभी गिराएंगे इनको यार। ये देखो गाइस विसर्जन हो चुका है उनका।